स्टोरीज का वीडियो बनाया था, आपने बहुत पसंद किया। तो आज मैं तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब तक लॉकडाउन है पूरे हिंदुस्तान में, तब तक आप मेरी स्टोरी का आनंद लीजिए। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्री स्पिरिट। एक दिन एक राजा था जो सोच रहा था कि उसे एक पैलेस चाहिए जो बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल होना चाहिए। और वो बोल रहा था कि सिर्फ एक ही पिलर से वो सपोर्ट हुआ रहेगा पूरा का पूरा पैलेस। तो वो अपने और वो बोलना चाह रहा था कि उसका पैलेस बना हुआ था वुड से वो बनाना चाह रहा था। तो उसने अपने फॉरेस्टर्स को फॉरेस्ट में जाने के लिए बोला और पेड़ काट के लाने के लिए बोला। उसने 24 डेज दिए करने के लिए ये काम। 24 डेज के बाद वो फिर वापस आ गए, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। वो बोले राजा से कि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम उन्हें पकड़ के नहीं आ सकते, वो बहुत बड़े हैं। तो राजा ने कहा तो आस पास ही कहीं एक बड़ा सा ट्री ढूंढो और वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर सिर्फ एक ही ट्री उन्हें मिला जो था द ट्री स्पिरिट, जिसका जो बोल भी सकता है, उसके आंखें भी हैं, मुंह भी है। तो वहाँ पर तीन लोग थे। तो उन तीनों से फॉरेस्टर ने बोला तुम यहाँ से हट जाओ, हम इस ट्री को काट के ले जाने वाले हैं। तो उन तीनों ने बोला नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छा ट्री है, इस पर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। तो ट्री ने बोला मैं उन्हें समझा ही दूंगा कि मुझे ना काटें। तो फिर वो रात में उसकी स्पिरिट राजा के सपने के अंदर चली गई और बोलने लगी तुम मुझे काट नहीं सकते, मैं बहुत अच्छी ट्री हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें काटूँगा, क्योंकि मुझे एक पैलेस चाहिए जो एक ही पिलर से होगा। तो ट्री की स्पिरिट ने बोला कि तो फिर तुम तीन हिस्सों में करना, पहला रूट का, दूसरा ट्रंक का जो बीच का ऐसे होता है, और तीसरा लीव्स और ब्रांचेस के साथ। तो उसने राजा ने बोला कि मैं तुम्हें तीन हिस्सों में कर दूं। तो फिर राजा सुबह उठा और अपने फॉरेस्टर्स को बुलाया कि नहीं, तुम्हें नहीं काटना है उस ट्री को, वो बहुत बड़ा ट्री है और वो बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट भी हैं, इसलिए उसने नहीं काटा। तो वो फॉरेस्टर ने ट्री को बताया, ट्री भी खुश हो गए और वो तीनों जो पहले दिन में जिस दिन वो उस ट्री स्पिरिट को देखने गए वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहीं वो भी खुश हो गए। तो आज के लिए इतना ही, यही थी आज की स्टोरी। आप ठीक से रहिए, बी सेफ, बी केयरफुल अबाउट द कोविड 19। थैंक यू।